हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के सी शार्प के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ एरे। बेसिकली एरे होता क्या है? तो एरे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ रखा है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एलिमेंट। बेसिकली सिमिलर टाइप एलिमेंट, बेसिकली एलिमेंट क्या होता है? कलेक्शन होता है। तो हमारे सी शार्प के अंदर जो होता है एरे जो होता है तीन तरह का होता है, सिंगल डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे और जैक एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे होता है जो हम लोगों ने नॉर्मल एग्जांपल पढ़ा था, जी बेसिकली 10, 10, 20, 30, बेसिकली हमने जो एक लिस्ट में रख के प्रिंट किया था इस तरह से, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है? टेबुलर फॉर्म में आपको डाटा को प्रिंट करके देगा, अगर इस तरह से ये 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है ये, तो इस तरह से रो और कॉलम के फॉर्मेट में हमको डाटा प्रिंट करके देगा। ये कौन सा देगा हमको? मल्टी डायमेंशनल एरे देगा। अगर जैक्ड एरे की बात करें तो जैक्ड एरे बेसिकली क्या होता है, जो हमको डाटा तो टेबुलर फॉर्म में देगा लेकिन रो फिक्स होगा, कॉलम फिक्स नहीं होगा। बेसिकली अगर मेरे पास इस तरह से रिकॉर्ड है, जैसे फर्स्ट रो में 2 कॉलम है, सेकंड रो में क्या है, जब मेरे पास 3 कॉलम है, अगर फोर्थ रो की बात करें तो इसमें बेसिकली 1 कॉलम और बढ़ जाता है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 4 कॉलम होता है। अगर थर्ड की बात करें तो इसमें फिर से 3 कॉलम हो, तो इस तरह के अगर फॉर्म में अगर डाटा अगर हमको प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं जैक्ड एरे।